तो जो लोग उस मुबारक पर भीड़ की वजह से नहीं आ पाते वो आज इस खास मौके पर जन्नत दरवाजे में आके ईद उल अज़हा के मौके पर तवाफ लगा रहे हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ जन्नत दरवाजे की तरफ और अभी आप देख सकते हैं ईद के मौके पर जन्नत दरवाजे को खोला गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कह रहे होंगे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मौजूद हैं हम दरगाह के अंदर और आज जैसे कि पता ही आपको अजमेर शरीफ दरगाह में काफ़ी खूबसूरत ईद का माहौल है और ईद के माहौल के मौके पर दरगाह के अंदर जन्नत दरवाजा है उसे खोला गया है और तमाम जैन मेहमानों की उस समय भीड़ देखने को मिली है। तो कैसा पूरा आज का मंजर रहता है ईद के मौके का दरगाह के अंदर का, तो वही हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे कि आप देखें और हमारे चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, कैमरा घुमाते आज का कैसा पूरा मंजर होने वाला है दरगाह के अंदर का आपको दिखाएंगे। आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार में ईद उल अज़हा के वक्त ये खास मौका है कि गरीब नवाज की बारगाह में आज जन्नत दरवाज़ा खुला है। वो सुबह फजर से जन्नत दरवाजे में दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर ज़ायरीन तवाफ लगा रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं गरीब नवाज में, अपनी अपनी इल्तिजाएं जो लेकर के आए हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर मन्नत के धागे बांधे, कुछ लोगों ने यहाँ पर मन्नत के धागे खोले। गरीब नवाज के बारगाह में सभी की मुरादें पूरी होती हैं। अभी जन्नत दरवाज़ा आज जो बंद होने के बाद में 12 जनवरी को रजब का चांद दिखाई देने पर खोला जाएगा। जब तक ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले इंतज़ार करेंगे कि उस खास मौके पर यहाँ पर आएँ और दरबार में हाजिरी दें। 12 जनवरी को जब ये जन्नत दरवाज़ा खुलेगा उस वक्त तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि लगातार 6 दिन खुला रहता है जन्नत दरवाज़ा और लाखों की तादाद में उस वक्त लोग आते हैं। तो जो लोग उस मुबारक पर भीड़ की वजह से नहीं आ पाते वो आज इस खास मौके पर जन्नत दरवाजे में आके ईद उल अज़हा के मौके पर तवाफ़ लगा रहे हैं। मैं दरबार ख्वाजा से सैयद कुतुबुद्दीन सर, और जैसे कि आपको पता ही आज ईद है तो आप सभी को ईद मुबारक हो। और आप जैसे कि बता दूं मैं आज ईद के मौके पर जन्नत दरवाज़ा जो है खोला गया, तो जन्नत दरवाज़ा खोला गया तो किस तरह तमाम से मेहमान जो है उस जन्नत दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, कैसा पूरा मंजर रहेगा आज का ईद के मौके का दरगाह के अंदर, वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहकर देखें आप। तो ये शाहजहानी मस्जिद का मंजर था जो मैंने आपको भी दिखा दिया हूँ। तो अभी चलते अपन सीधा जन्नत दरवाजे की तरफ और वहाँ पर किस तरह तमाम जैन मेहमानों की भीड़ देखने को मिलती है तो आपको दिखाते हैं तरफ। और अभी आप देख सकते हैं ईद के मौके पर जन्नत दरवाजे को खोला गया है और तमाम ज़ायरीन मेहमान जो है इस दरवाजे से जो है अंदर दाखिल हो रहे हैं जन्नत दरवाजे से। और देख सकते हैं सबकी एक चाहत है कि हम इस दरवाजे से दाखिल हो अंदर। तो आप देखें माशाल्लाह किस तरह से अभी ईद के मौके पर जन्नत दरवाज़ा खोला गया है और तमाम ज़ायरीन मेहमानों की भीड़ इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही है। माशाल्लाह दोस्तों, जैसे कि आपने देख ही लिया किस तरह तमाम से मेहमान जो है जन्नत दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे हैं और ये जन्नत दरवाजे की तरफ का मंजर है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। तभी चलेंगे अपन आस्थाने के 2 नंबर गेट की तरफ, पैती गेट की तरफ, वहाँ पर क्या कवाली की महफिल हो रही है, क्या मंजर है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं आस्थाने के 2 नंबर गेट की तरफ। माशाल्लाह दोस्तों, मैं आ गया हूँ अभी आस्थाने के 2 नंबर गेट की तरफ, पैती गेट की तरफ, और पैती गेट की तरफ अभी कवाली की महफिल चल रही है और तमाम जन मेहमानों की भीड़ कवाली की महफिल में जो आपको नजर आ जाएगी। और माशाल्लाह ये आस्थाने के 2 नंबर गेट की तरफ बड़ा ही खूबसूरत मंजर है जो अभी आप देख रहे हैं। Ah!
माशाल्लाह दोस्तों, आस्थाने के दो नंबर गेट की तरफ का क्या मंजर था मैंने आपको दिखा दिया, और किस तरह से बड़ी खूबसूरत कवाली की महफिल हो रही थी वो भी मैंने आपको सुना दिया हूँ। तो दोस्तों अभी चलेंगे अपन आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ, और आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ क्या मंजर रहता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब चलते सीधा आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ, और आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ का ये मंजर है जो भी आप देख रहे हैं। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं आस्थाने के एक नंबर गेट से तमाम से मेहमान जो है आस्थाने मुबारक में जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। तो वीडियो आपको कैसी लगती कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप सभी को जैसे कि फिर से मैं बोल देता हूं आपको ईद मुबारक हो। और ईद के मौके का मंजर तो जो मैंने आपको आज दिखाया दरगाह के अंदर क्या माहौल है, क्या नज़ारा है, क्या तमाम सारे मेहमानों की भीड़ है। तो वीडियो ज़रूर से आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपको इसी के साथ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।